मैरी क्रिसमस दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज क्या है, आज मैरी क्रिसमस है दोस्तों, तो आज इसीलिए मैं ये पहनी हूँ सेंटा क्लॉथ का टोपी पहन ली हूँ, सेंटा क्लॉथ बन गई हूँ मैं। और मैं आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ। और आप लोग पहले ये बताओ कि कैसे दोस्तों, ठीक तो हो? ठंडी का दिन है, घर में रहो, कोई काम हो तो निकलो, नहीं तो घर में रजाई के अंदर छुपे रहो। मैं भी वही काम करती हूँ, अगर काम होता है तो निकलती हूँ, नहीं तो छुप जाती हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम आप लोगों को मैं नहीं लूँगी, मैं फिर नए रेसिपी के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों मॉम्स किचन में आप लोग बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों ये आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी। फिश करी बनाऊंगी, कम तेल में बनाऊंगी और बनाकर आप लोग को दिखाऊंगी। अगर आप लोग अच्छा लगे तो अपने घर में बनाएं और खाएं, और फिर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें कि मैंने कैसे बनाया। चलो दोस्तों फिर बनाती हूँ। ये रहा चूल्हा मेरा, ये रहा मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी, थोड़ा तेल में ही फ्राई करूंगी, इसमें करूंगी। दोस्तों नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है मेरे पास, ले तो बिल्कुल तेल नहीं डालती और बिल्कुल बिना तेल के मैं, बिना ऑयल के मैं मछली बना करके दिखाती आप लोगों को, लेकिन मेरे पास कढ़ाई नहीं है इसलिए थोड़ा तेल तो डालना पड़ेगा। और जब मैं बनाऊंगी ना करी बनाऊंगी फिश करी, अभी तो फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा तो पड़ेगा ही, लेकिन जब करी बनाऊंगी बिल्कुल थोड़ा सा लाइट तेल डालूंगी। अगर मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई खरीद लिए मैंने नॉन वेज का, तो मैं आप लोग बिना तेल के बनाऊंगी, इतनी अच्छा इतना सुंदर दिखेगा तो मत पूछे दोस्तों। दोस्तों ये मेरा तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म होगा तो फिर मैं मछली डालूंगी। दोस्तों अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, ऐसा मेरे जैसा ही कढ़ाई है, इसमें अक्सर होता है ना कभी कभी मछली चिपक भी जाती है तेल में फ्राई करने पर, तो क्या करें कि तेल गर्म कर जब हो रहा ना उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। मैंने भी वही काम किया है, तो ये मछली ना फिर नीचे नहीं चिपकेगी। और मैं अभी डाल रही हूँ, तेल को खूब गर्म होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब ये सब पलट रहे हैं, जैसे बिल्कुल ठीक नहीं होते, नीचे में एकदम नहीं दब रहा है, ऐसे पलटा है जैसे कि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। दोस्तों आप लोग क्रिसमस डे पर कहाँ कहाँ गए घूमने के लिए, क्रिसमस डे के दिन खूब खुश रहिए, खूब मिठाई खाइए और खुशियाँ बांटिए, और आप भी खुश रहिए और मैं भी खुश हूँ अपने घर पर। और कहाँ कहाँ आप लोग गए घूमने के लिए तो आप लोग कमेंट्स रखना, कमेंट्स करो कि हाँ वो यहाँ आए गए थे। हम लोग भी चर्च गए थे दोस्तों, चर्च घूम करके आए हैं। अब आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग भी बताएं कि कहाँ कहाँ घूम करके आए हैं। आज तो घूमने का दिन था, खाने का दिन था, मिठाई खाने का दिन था, अच्छे से दिन था। दोस्तों मछली फ्राई हो गई है, मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, देख लो दोस्तों एकदम नहीं चिपकी है मछली, ऐसे ही आप लोग भी करें। अब मैं इसको डाल दें, आप नहीं डाल देती जल्दी जल्दी हो गया है ना। दोस्तों मेरा मछली फ्राई हो गया है, ये रहा मछली। अब इसको मैं करी बनाने जा रहा हूँ, फिश करी। इसमें हाफ स्पून मेथी डाल दिया है, फ्लेम कम कर देती हूँ। इसमें सरसों और लहसुन मैंने पीस रखा है, इसको मैं डाल देती हूँ। थोड़ा पानी डालूंगी, अब मैं इसमें चम्मच धनिया डाल दी हूँ, एक चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी डाल दी हूँ, एक चम्मच जीरा डाल दी हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च डाल दी हूँ, एक चम्मच फुल चम्मच है मिर्ची डालूंगी।
आप लोग कम जितना खाते हैं मिर्ची अपनी स्वाद के अनुसार डालें, तो हम लोग थोड़ा मछली में मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैंने बेलचन में डाल दिया। उसके बाद दोस्तों ये मैंने ब्लेंड को तेज कर दिया, ये मैंने एक आमचूर का पीस लिया है, आमचूर यानी आम का अचार है, पिकल्स भी बोलते हैं इसे, ये मैंने मैंगो पिकल्स लिया है, एक डाल दिया। इतना डालूंगी मैं टमाटर, क्योंकि ज़्यादा टमाटर हम लोग नहीं खाते हैं। दोस्तों आप लोग भी अपने घरों में टमाटर कम खाएं, क्योंकि पतली हो रही है टमाटर खाने, इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ। अब नमक डालूंगी, तो दोस्तों मैं जब मछली साफ की थी उस समय भी नमक हल्दी नमक डाल करके उसको रखी थी, और तेल में भी नमक डाली थी, इसलिए अभी मैं नमक कम डालूंगी। आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैं एक चम्मच नमक डालूंगी। इसको मैं मिलाऊंगी, घोल को मिलाऊंगी। टमाटर आप काट के डालें, मैं ऐसे डाल दूंगी कि गल जाएगा, तो इसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसको खूब करें, फिर मसाले को भूनें। आमचूर डालने से ना मछली का स्वाद बहुत दुगुना तिगुना अधिक टेस्ट आ जाता है, बढ़ जाता है उसका टेस्ट, इसलिए आप आमचूर डालें। आपके पास आम के अचार हो तो डालें, आंवला करावधा जो भी हो खट्टा चीज आप डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आम का ही अचार आप डालेंगे। और उसके बाद से इसको मसाले को खूब फ्राई करें, कम तेल में, कम तेल डाली थी, कम तेल में कुछ बना रही हूँ। दोस्तों मसाला तैयार हो गया, तेल अलग छूट जा रहा है, मसाला अलग दिख रहा है, अब ये मसाला ब्राउन कलर का हो गया बिल्कुल, यानी कि मसाला मेरा रेडी हो गया है। अच्छे से खूब चलाएं, आप लोग भी बनाएं। तो अब इसमें मैं पानी डालूंगी, बराबर से चला दूंगी, सारे मसाले पानी में कर दूंगी, पानी के अंदर हो जाएगा, और इसका 10 मिनट वेट करूंगी बॉयल होने का। दोस्तों मेरा करी बनकर तैयार हो गया है, मछली का करी जो बन रहा है, मैं जो फिश करी बना रही हूँ, अब मैं फिश जो फ्राई की थी वो उसको उसमें डालूंगी। एक बार दिखाओ इधर, देखो कैसे बॉयल हो रहा पानी, अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। दोस्तों फिश करी मेरा बनकर तैयार है, ग्रेवी बहुत देखने में अच्छा लाजवाब लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में और सर्व करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोग अपने घरों में बनाएं और खाएं, और मेरे को याद करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों मेरा थाली सजकर तैयार है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने घरों में बनाए खाएं, और खूब खुश रहें, मस्त रहें, मस्ती में रहें, और खुशियाँ बांटें। गुड नाइट, गुड बाय।